दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम का प्रदर्शन तो इतना शानदार रहा कि इंग्लिश टीम को बुरी तरह से धूल चढ़ा दी। खेल के बाद पहले दिन गेंदबाजों ने तो शानदार प्रदर्शन किया और बल्लेबाजों ने सभी का दिल जीत लिया। चलिए बताते हैं आपको पूरे मैच की हाइलाइट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी में कौन है एक बेहतरीन तेज गेंदबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, एक लंबे इंतजार के बाद अब वो घड़ी बिल्कुल नजदीक आ चुकी है जब भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला नॉटिंघम के मैदान पर खेला गया। दोस्तों, भारतीय टीम के ऊपर तो खैर थोड़ा सा दबाव जरूर था क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन टीम अब इस मुकाबले में नए जोश के साथ मैदान पर उतरी थी। भारत और इंग्लैंड के बीच में सीरीज का ये पहला टेस्ट मुकाबला था जो कि 4 अगस्त से नॉटिंघम के मैदान पर खेला गया था। इस मैच का टॉस जीता था इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और कप्तान विराट कोहली ने पहले ही ओवर में गेंद दी जसप्रीत बुमराह को। दोस्तों, आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह ने तो पारी के पहली ही गेंद में ये साबित कर दिया कि उनका कहर तो आज इंग्लिश बल्लेबाजों पर जमकर टूटने वाला है। बुमराह की आग उगलती गेंदबाजी इंग्लिश बल्लेबाजों को जमकर परेशान कर रही थी। यही कारण था कि शुरुआती 3 गेंद खेलने के बाद ही जसप्रीत बुमराह की गेंद सीधी बल्लेबाज रोरी बंस के पैड पर जा लगी। जसप्रीत बुमराह की तेज तर्रार अपील के बाद तो एम्पायर खुद को उंगली उठाने से रोक ही नहीं पाए और पहले ही ओवर में भारतीय टीम को बड़ी सफलता मिल चुकी थी जिसका सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी को जाता था। लेकिन बल्लेबाज एम्पायर के इस फैसले से संतुष्ट न होकर DRS लेने का फैसला किया, लेकिन बावजूद इसके ये फैसला पूरी तरह से भारतीय टीम के पक्ष में रहा और टीम ने 0 के स्कोर पर अपनी पहली सफलता हासिल कर ली। जसप्रीत बुमराह की तेज तर्रार गेंदबाजी के सामने इंग्लिश बल्लेबाज पूरी तरह से लाचार नजर आ रहे थे। यही कारण था कि शुरुआती दौर में इंग्लैंड की टीम खाता भी नहीं खोल सकी थी, लेकिन इसके बाद इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन थोड़ी ही देर में इंग्लिश बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए एक अच्छी साझेदारी जरूर करने की कोशिश की और भारतीय टीम को अब जरूरत हो चुकी थी एक विकेट निकालने की। ऐसे में कप्तान विराट कोहली ने मोहम्मद सिराज को गेंदबाजी पर लगाया और सिराज ने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिला दी। इंग्लैंड की टीम ने लंच तक 62 रन बनाकर 2 विकेट खो दिए थे। दूसरे सत्र के खेल की शुरुआत तो पूरी तरह से भारतीय टीम के पक्ष में रही क्योंकि तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करते हुए डॉम सिबली को 18 रन के स्कोर पर KL राहुल के हाथों कैच आउट कराकर भारतीय टीम को तीसरी सफलता दिला दी और इंग्लैंड का स्कोर सिर्फ 66 रन ही हो पाया था और भारतीय टीम पूरी तरह से इंग्लैंड के ऊपर हावी हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद इंग्लैंड के कप्तान जो रूट और जॉनी बेयरस्टो के बीच एक साझेदारी पनप गई। दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़ी ही चालाकी से बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 100 रन तक पहुंचा दिया। उसके बाद मोहम्मद शमी ने जॉनी बेयरस्टो को 29 रन के स्कोर पर आउट करके टीम को चौथी सफलता दिलाई और फिर मोहम्मद शमी का कहर तो इंग्लिश बल्लेबाजों के ऊपर ऐसा टूटा कि बल्लेबाजी करने आए डेनियल लॉरेंस अपना खाता भी नहीं खोल सके और 5वें विकेट के रूप में आउट हो गए। शमी ने इस मुकाबले में तीसरी सफलता हासिल की जिसके बाद जसप्रीत बुमराह ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए जॉस बटलर को इस मैच में मैदान पर खाता ही नहीं खोलने दिया और 0 के स्कोर पर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए ओली रॉबिन्सन वो भी अपना खाता नहीं खोल सके और इसके बाद भी भारतीय गेंदबाजों का दबदबा तो इस मुकाबले में कायम रहा। गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह ने फिर एक बार स्टुअर्ट ब्रॉड को अपने जाल में फंसा लिया और 4 रन के स्कोर पर LBW आउट करके भारतीय टीम को 9वीं सफलता दिलाई। टीम का स्कोर 160 रन ही हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जल्द ही इंग्लैंड की टीम अब ऑल आउट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि सैम करन ने तेज बल्लेबाजी करते हुए कुछ बढ़िया शॉट्स का नजारा पेश किया। इसमें उन्होंने एक गगनचुंबी छक्का भी लगाया और सैम करन जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे भारतीय टीम की चिंता दोगुनी होती जा रही थी क्योंकि 9 विकेट हो जाने के बाद भी इंग्लैंड की टीम तेज गति से रन बना रही थी और ऐसे में कप्तान विराट कोहली ने गेंदबाजी के लिए बुलाया था जसप्रीत बुमराह को जिन्होंने दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे जिमी एंडरसन को 1 रन के स्कोर पर बोल्ड मारकर इंग्लैंड के टीम को 183 रन के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। भारतीय टीम के लिहाज से ये स्कोर तो एक सामान्य से लक्ष्य था, लेकिन दोस्तों तारीफ करनी होगी भारतीय गेंदबाजों की जिन्होंने इस मैच में अच्छा प्रदर्शन किया। जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट अपने नाम किए और मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिए जबकि शार्दुल ठाकुर ने 2 और मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट अपने नाम किया। इसके बाद भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उसके लिए बल्लेबाजी करना काफी ज्यादा आसान था क्योंकि टीम को एक सामान्य सा लक्ष्य मिला था और इसका फायदा रोहित शर्मा और KL राहुल ने जमकर उठाया। बता दें कि ओवर की दूसरी ही गेंद पर रोहित शर्मा ने चौका लगाते हुए ये बता दिया कि आज
भारतीय बल्लेबाजों का कहर इंग्लिश गेंदबाजों के ऊपर जमकर टूटने वाला है, क्योंकि चौके के साथ तो भारतीय टीम का मनोबल रोहित शर्मा ने काफी ज्यादा बढ़ा दिया था और इस मैच में बतौर सलामी बल्लेबाज खेल रहे केएल राहुल ने भी इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट क्रिकेट में अपनी दावेदारी पेश कर दी थी। दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरुआत में कोई भी जोखिम भरा शॉट खेलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि दोनों बल्लेबाज बखूबी जानते थे कि एक बार क्रीज पर आंखें जमा लेने के बाद बल्लेबाजी करना काफी ज्यादा आसान होने वाला है और दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़ी ही चालाकी से स्कोर को आगे बढ़ाया। केएल राहुल ने भी कुछ बेहतरीन शॉट्स का नजारा पेश किया, जिसको देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से फॉर्म में लौट चुके हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि पहले ही दिन के खेल में 78.4 ओवर का खेल हुआ, लेकिन इस खेल के समाप्त होने तक भारतीय टीम ने बिना कोई विकेट खोए 21 रन जोड़ लिए थे। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज 9 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम का पलड़ा इस मुकाबले में पूरी तरह से भारी नजर आ रहा है, क्योंकि एक समय था जब ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला बराबरी की टक्कर पर है, लेकिन चाय के बाद भारतीय गेंदबाजों ने इस मैच में पूरी तरह से वापसी कराई। लगातार एक के बाद एक विकेट गिराए गए और इंग्लैंड की टीम को सामान्य से स्कोर पर ऑल आउट कर दिया गया। और बावजूद उसके भारतीय बल्लेबाजों की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने खेल के समाप्त होने तक कोई भी विकेट नहीं दिया, जिससे भारतीय टीम अब पूरी तरह से इस मुकाबले को जीतने में अपना जाल बिछा चुकी है। वैसे दोस्तों आप सभी भारतीय टीम के इस शानदार प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।